ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां उपसरपंच की बहन होने का रोजगार सहायक उठा रही फायदा। लघु तालाब की जगह बना दिया खेत। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां गर्मी के मौसम में वैसे ही बहुत तेज धूप है, जिससे लोग पहले ही परेशान हैं। और बताएंगे कैसे सहारनपुर में बच्चों के शमशान घाट को लेकर लोगों का हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सकरी में लघु तालाब निर्माण कार्य सहित पीएम आवास में सचिव, रोजगार सहायक और सब इंजीनियर द्वारा भारी भ्रष्टाचार और अनियमित कर शासकीय राशि का बंदरबांट कर राशि का दुरुपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। यहां ग्राम पंचायत के सरपंच के संरक्षण में उप सरपंच की बहन होने का फायदा उठाते हुए रोजगार सहायक द्वारा हितग्राही तपेश पटले के साथ साठ घाट कर लघु तालाब के जगह खेत बना दिया गया है, जो निर्माण कार्य में जेसीबी मशीन से काम कराकर फर्जी मस्टर रोल निकालकर शासकीय राशि का बंदरबांट कर दुरुपयोग किया गया है। साथ ही लोगों की माने तो रोजगार सहायक द्वारा पीएम आवास में भी हितग्राहियों से साठ घाट कर पुराने मकानों को नया दर्शा कर राशि निकाल कर स्वास्थ्य साधा गया है, जो ग्राम पंचायत के हुए निर्माण कार्यों पर जांच की मांग उठा रहे। देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत सकरी के निर्माण कार्यों की जांच कर संबंधित दोषियों पर विभाग के अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। परिचय दीजिए अपना। मदन सिंह सिंधराम, सरपंच ग्राम पंचायत सकरी। अच्छा, जैसा कि सरपंच साहब, देखा जा रहा है कि एक तोपेश का यहाँ एक तालाब स्वीकृत हुआ है। हाँ। जिसमें तालाब की जगह में खेत बना दिया गया है, क्या 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 कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि खेत नमूना दे दिए हैं, बाकी तालाब की स्थिति में नहीं। तो स्थल निरीक्षण किया क्या आपने वहाँ जाकर? अब हम अभी उस समय में तबीयत खराब थी काफ़ी दिनों से, और आज भी तबीयत खराब है, इसलिए। कब से तबीयत खराब है आपकी? जनवरी से तबीयत खराब है। तो आपने जगह के स्थल का निरीक्षण नहीं किया? मतलब नहीं, वो पूरा बराबर घूमा था मैं उसके पहले, 26 जनवरी के पहले। वहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ जेसीबी से काम भी कराया गया है। अब ये पता नहीं मुझे। अच्छा, काम के समय कौन मौजूद रहता था वहाँ? वहाँ अभी आपके अनुपस्थिति में पंचायत कौन चला रहा है? अभी तो वही वो सहायक सचिव और सचिव चला रहे हैं। अच्छा, उनके द्वारा तो जब निर्माण का चल रहा था वहाँ का तालाब का, तो हाँ। वो लोग गए होंगे वो शायद गए तो होंगे। अच्छा, उस बीच में आप नहीं गए? हाँ। अच्छा, अगर आप दोषी हैं तो उनके ऊपर कैसे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? दोषी हैं तो उनको दोषी के हिसाब से ही कार्रवाई होना चाहिए। ग्राम पंचायत सकरी में उप सरपंच के पद पर। और जैसा कि अपने आपके पंचायत क्षेत्र में देखने में आया, तालाब का मामला प्रकाश में आया है, जो कहीं से भी देखने में लग नहीं रहा कि तालाब, कैसा क्या मामला है? तो अभी मौके पे जाने से ऐसा लग रहा है कि तालाब नहीं, खेत टाइप का बना है। उसके पहले तो क्या तालाब बनाया था कोई हितग्राही ने, उसको उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है किस टाइप का बना है क्या है। लेकिन आप जिम्मेदार आदमी हैं, उप सरपंच हैं पंचायत के, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई निर्माण कार्य या कोई भी अगर कार्य हो रहे हैं पंचायत पे, तो उस पर निगरानी आपकी जो है होनी चाहिए। जी, होनी चाहिए। फिर तो फिर आपने गौर क्यों नहीं किया? मैं उस समय शादी सीजन में था, मैं नहीं जा पाया कहीं। आपके संज्ञान में हमारे द्वारा जो है ये मामला लाया गया है, अगर वाकई में अनियमितता हो तो फिर किस तरह की कार्रवाई या क्या फिर आप उस पर एक्शन लेंगे? उसमें तो अनियमितता हुई है, तो अधिकारियों को सूचित करेंगे इस बारे में। बिल्कुल जी। मेरा नाम अनीता पारती है, मैं ग्राम पंचायत सकरी में ग्राम रोजगार सहायक के पद में पदस्थ हूँ। ये जो तालाब का एक मामला आपके यहाँ से ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहाँ देखा जा रहा है कि तालाब के एवज में सिर्फ खेत बना दिया गया है। खेत भी बना दिया और लगभग तालाब भी बना। किसके नाम से? तपेश सेन। कितनी कितनी प्रति? 3,82,000। फिर इसमें लेबर पार्ट अलग है, सामग्री पार्ट अलग है। लेबर पार्ट का काम हुआ है अभी, कुछ पका है। देखिए, वहाँ कहा जा रहा है कि आप मजदूर के नाम से मजदूर निकाला वहाँ से, लेकिन जैसे भी से काम किया? नहीं, जैसे भी से काम नहीं हुआ है, मजदूरों ने काम किए। फर्जी मजदूर निकाल के मतलब जैसे भी से काम? नहीं नहीं, मजदूरों ने काम किए हैं वहाँ। करीबन एक सप्ताह में 106 मजदूर लगे थे। फिर जैसे भी के निशान कैसे दिख रहे हैं? हमने जब वर्क करा है तो हमने जेसीबी का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। अभी तो फिलहाल अभी फाइनल हो गया काम, वर्किंग ऑन हुई है।
फाइनल काम वर्क से हो चुका, मजदूरों से हो चुका जी। किस तरह का काम बाकी है इसमें? सामग्री का काम बाकी है। क्या सामग्री? क्या क्या सामग्री लगे उसमें? वेस्ट मेटल बनाना सही से बस, बाकी लेबर पार्ट का काम हो चुका है। पिचिंग हो गया उसका? नहीं पिचिंग नहीं हो गया। पिचिंग की भी प्रोसेस होती है इसकी? हाँ वो तो इंजीनियर सर बताएंगे, आगे का मार्गदर्शन हम उनसे लेंगे। तो अभी फिलहाल जैसे भी किसने चलवाई थी उसमें ये जानकारी तो मुझे नहीं। मूल्यांकन हो गया? मूल्यांकन के लिए हाँ सर के पास फाइल है। हमारे द्वारा आपको अवगत कराया जा रहा है कि फिलहाल वहाँ पर जेसीबी से वर्क किया जा रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं। हमारे द्वारा अवगत कराया गया क्योंकि काम अभी ऑनगोइंग पे है, मूल्यांकन होना उसका अभी बाकी है। हमारे द्वारा आपके संज्ञान में लाया जा रहा है, आपके द्वारा किस तरह की उस पर कार्रवाई या क्या उस पर संज्ञान दिया जाए? ठीक है, हितग्राही को बुलवाएंगे और बोलेंगे जब तक हमारा थर्ड जीओटी नहीं होता, जब तक हमारी कारी की सीसी जारी नहीं होती तब तक हितग्राही उस पर कोई काम नहीं करवा सकता अपनी मर्जी से। और आपने बिना अवगत किए हमारे को बिना बताए आपने जैसी भी चलवाए हो तो हम उस पर उन पर कुछ मैंने आदेश करेंगे, उनको पूछेंगे बताएंगे क्या करें। किस तरह से एक्शन लेंगे अगर उन्होंने खुद जैसी भी अगर चलवाई तो हितग्राही बताएंगे? क्या उस जेसीबी की राशि भी पंचायत आहरित करेगी? नहीं, उसका काम हो चुका है, लेबर पार्ट का काम हो चुका है। कितने लेबरों ने काम किया उसमें? एक सप्ताह में 106 लेबर ने काम। कितने सप्ताह काम चला? उसमें 2 या 3 सप्ताह काम चला। एक तालाब की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? एक तालाब की रूपरेखा 40x60 या 40x50 होनी चाहिए। अभी फिलहाल में इसकी क्या है? इसकी भी वही रूपरेखा तो तालाब बना है। तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए? तालाब की गहराई अपनी जो मेन होना चाहिए, पार होना चाहिए, वो कम से कम 10 फीट की होना चाहिए हाइट। इसकी कितनी हाइट है? इसकी भी हाइट है 10 फीट की है। 10 फीट की है ज़्यादा है। मौके पे चल के तुम देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं क्योंकि पास में इसलिए। हाँ ठीक है चल सकते। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, यहाँ तेज धूप से लोग परेशान हैं, लगातार आगजनी की घटनाओं से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले ही कूलर की फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसके बाद लोकायुक्त कार्यालय में भी आग लगने की घटना हो चुकी है। भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र स्थित मेट्रो स्टेशन के पास भी भीषण आग लगी। इस आग में नगर निगम की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। गन्ने के रस के कचरे में लगी आग जिसके कारण आसपास के वायरिंग और पौधों में भी लगी आग, शायद बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है नगर निगम। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग संघ ललितपुर के पदाधिकारी सहित व्यापारियों ने जिलाधिकारी को बिजली पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने पदाधिकारी से कहा कि सरकारी इंडस्ट्रीज उद्योग के लिए 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रही है, लेकिन ललितपुर में आ रही है कुछ घंटे बिजली। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि नकली किस्म के पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं जिस वजह से बार बार खुदाई करनी पड़ रही है, जगह जगह हो रहा है पानी का रिसाव। पानी को शुद्ध करने के लिए विभाग के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, वहीं फिटकरी डालकर करना पड़ा है पानी साफ। दिया ज्ञापन मांग की बिजली और पानी की समस्या का समाधान करने की। क्या नाम है आपका? मैं कमली सराफ। किस पद पे? उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग मंच। किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया? आज ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जो बिजली की व्यवस्था शर्मा गई है, हम लोगों के लिए बार बार कटौती हो रही है, इंडस्ट्री बहुत सफर कर रही है। इंडस्ट्री में विद्युत आपूर्ति 24 घंटे का वायदा है सरकार का, लेकिन 24 घंटे हमको आपूर्ति नहीं मिल रही है। और जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं तो हम लोगों की मांग ये है कि सबसे पहले सरकारी ऑफिसों में जिसमें लाखों करोड़ों का बकाया है उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएँ, ना कि हम व्यापारियों के यहाँ। हम व्यापारियों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उनके विरुद्ध ज्ञापन भी देंगे, और हम लोग अपने विरुद्ध और जो अधिकारियों के विरुद्ध जो है हम लोग कार्रवाई करने से, कोई भी कार्रवाई करने से हम लोग नहीं छूटेंगे, चाहे हम लोग अनशन बैठना पड़े चाहे हम लोगों के लिए प्रदर्शन करना पड़े। हमारी मांग सबसे पहली ये है, इसके बाद दूसरी मांग हमारी जो पानी की आपूर्ति है, जल संस्थान के द्वारा जो पानी की आपूर्ति की जा रही है, नलों में बहुत गंदा पानी आ रहा है। ठेकेदारों द्वारा जो पाइप लाइनें डाली गई हैं उनमें नकली किस्म का पाइप डाला गया है जिससे जगह जगह पाइप लाइन लीकेज है, यहाँ तक कि एक्वागार्ड से पानी साफ़ करने के बाद भी पानी साफ़ नहीं होता है, उसको अलग से फटकरी डाल के साफ़ करना पड़ता है। तो हमारी ये दोनों हमारी मांगे हैं, जनहित की मांगे हैं, हमारी प्रशासन से मांग है
इन दोनों हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमझरिया घाटी में बुधवार को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में ट्रक के चालक और उपचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों लातेहार के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य आरंभ कर चुकी है। दरअसल लातेहार के रहने वाले ट्रक चालक गणेश यादव और सहयोगी उपचालक अनिल यादव सरिया लेकर लातेहार की ओर आ रहे थे। इसी बीच रांची लातेहार मुख्य मार्ग पर स्थित अमझरिया घाटी में ट्रक असंतुलित हो गई और सीधे घाटी में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही ट्रक में लदा हुआ सरिया ट्रक के केबिन को तोड़ते हुए बाहर निकल गया और इस वजह से चालक और उपचालक की मौत हो गई। सूचना के बाद एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। हालांकि ट्रक काफी नीचे खाई में जा गिरी है, इस कारण बचाव कार्य में पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के द्वारा बचाव कार्य के लिए क्रेन मंगवाई गई है। इधर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई है। वहीं संबंध में चंदवा पुलिस इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, बचाव कार्य आरंभ कर दिया है। हालांकि उन्होंने अभी बताया कि जब तक बचाव कार्य पूर्ण नहीं हो जाते तब तक मृतकों की संख्या की जानकारी देना संभव नहीं है। बचाव कार्य पूर्ण होने के बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सहारनपुर के गंगू कस्बे में बच्चों के शमशान घाट से मिट्टी उठाकर वहां पर कुछ कार्य किया जा रहा था, जिसे लेकर काफी संख्या में कस्बावासी मौके पर पहुंचे और बच्चों के शमशान घाट को खोदने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। मौजूद लोगों का कहना है कि यहां पर छोटे बच्चों का शमशान घाट है, छोटे बच्चों को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, लेकिन यहाँ पर गंगू नगर पालिका द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। लोगों के द्वारा कहा गया है कि जब तक यहाँ की मिट्टी वापस नहीं आ जाती तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ से मिट्टी उठाई है उनकी पर कार्रवाई की जाए। कौन सा मोहल्ला? अच्छा, क्या घटना घटी आज? जो बच्चों की लाश काट के ले गए, कितना दिन पे जोर पड़ेगा? पेट में तो दड़ा भी निकला है उसकी भी आवे, और आज वे लगता परान हो रही है आठ बच्चों के, तो माँ के दिन पर क्या गुजरेगी? बताओ थारे भी बच्चे बच्चे बस जो हार भी जो भी है कपड़ा लत्ता जो भी है हम यही चीज। तो तुम्हें किसका हाथ लग रहा है इसमें? जो देखते ही ना इसको डमीना तो देखते। आपका नाम? लड्डू है जी। कौन से मोहल्ले से आप? सरा से। क्या घटना घटी है आज? आज ही हमारे बच्चों की लाश निकाल ली। कहाँ से निकाल ली? कंकर वाली पर से, जो हमारे मुरद घाट है जी, बच्चों के। कहाँ है ये? ये जिस कंकर वाली पे है जी। हाँ, कंकर वाली बोलते हैं जिसे, नकनौती रोड के पास। अच्छा, तो वहाँ क्या घटना घटी? आराम से घटना यह हुई, हमारे बच्चों की नाथ निकाल ली, रात को मट्टी उठा ली गड्ढे में तो खोद कर चोरी से, और हमारे बच्चों की लाश उठा ली कंकर वाली। पता है हमारे सारी उम्र तो हो गए, मुर्दे बच्चे एक दब जाए। अब इन देखो हम कहाँ ले जाएंगे अपने बच्चों ने, घर में दब देंगे क्या जी? हमने कौन लोग थे? अजी हमने जो लोग मिल जाते हम तो नहीं जानते, मार देते हैं बस। जब हमें लोग होते रही मिट्टी गई या मट्टी यही आनी चाहिए, हमारे बच्चों की लाश यही आनी चाहिए। जो इसमें सियानी हो, जो झिम्मर हो, जो चूड़ा हो, जिसका भी हाथ हो वो को मार के गिरेंगे। किसी का कोई हाथ नहीं नगर। आपका नाम? दीपक सैनी। कहाँ से हैं आप? सराय में। अच्छा, क्या घटना घटी आज? आराम से। घटना ये घटी, हमारे पूरे मोहल्ला मखदूम जहाँ सराय का बच्चा, एक इलायबाग बच्चा मरगट जगह है यहाँ, किसी का बच्चा एक्सपायर हो जा वो यहाँ दबाया जाता है। रात किसी को भी पता नहीं था, जेसीबी लाई गई और बच्चों के कंकाल जेसीबी तक मट्टी सारी उठाकर, मट्टी भी यहाँ नहीं है, कुछ कंकाल उठाकर ले गए और कुछ यहीं पड़े, कुछ यहीं पड़े। अब हमारी सारे मोहल्ला मखदूम जहाँ सराय की यह मांग है, सारी मट्टी यहीं आवे और जो इसका गुनहगार है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा जावे। हमने भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को आज तो आपकी क्या मांग है फिलहाल? हमारी मांग है जिन्होंने यहाँ कंकाल और मट्टी उठाई वह मट्टी वापस आवे, और जिन्होंने उठाई उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होवे, उचित कार्रवाई की जावे। हमारी सबकी मांग है जब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं होती जब तक यहाँ तो कोई नहीं जाता, हम सब यहीं बैठे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।